राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि देश की आर्थिक नीति ऐसी है कि विश्व में होने वाले आर्थिक उतार चढ़ाव का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सहकारिता एवं छोटे उद्योगों की वजह से यह संभव होता है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती देना जरूरी है, लेकिन इसके लिए अन्य देशों की नकल करने से कोई फायदा नहीं। भागवत सहकार भारती की ओर से गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एक समय में इम्पोर्टेड वस्तु का महत्व था, आज निर्यात का महत्व बढ़ गया है। देश को आर्थिक क्षेत्र में मजबूती मिलनी चाहिए, उद्योग जगता यह संभव है। भारत को विश्व को अपना बाजार नहीं बल्कि परिवार बनाना है। विश्व को अपने उत्पादन का महत्व बताना होगा, जिसे जो भाषा समझे उसे उसमें समझना होगा। भागवत ने कहा कि सहकारिता के साथ साथ गुणवत्ता आवश्यक है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सहकारिता में अगर स्वार्थ आया तो गड़बड़ होगी। फिलहाल की स्थिति में देश के छोटे उद्योग एवं कारीगरों को सशक्त करना होगा। सहकारिता क्षेत्र का काम व्यवस्था करना नहीं बल्कि देश को खड़ा करना है। तो स्वतंत्रता हमको 75 साल पहले लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त हुई। सब प्रकार के रास्तों पर लोग चले, तब चल के 100-125 साल तक सतत चला, या यूं कहिए कि पहला आक्रमक जब भारत के भूमि के अंदर आया, उसने पहला कदम भारत की सीमा के अंदर रखा, तब से जो शुरू हो गया हमारा संघर्ष, वो राजनीतिक रूप से कुछ मात्रा में 15 अगस्त 1947 को सफल हो गया। उसका हम उत्सव मना रहे तो हमारे सबके लिए एक गौरव की बात है और एक स्मरण की भी बात है, क्योंकि उसी को हमको पूर्ण करना है, आगे ले जाना। सरसंघचालक ने कहा कि अन्य देश व्यापार को मुनाफे का साधन मानते हैं। विदेश में व्यापार उद्योग कुछ लोगों की कंपनियों के अधीन होता है, अन्य लोग काम कर अपना उदर निर्वाह करते हैं। इन व्यवसाय से होने वाला लाभ कुछ लोगों की जेब में जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। व्यापार के साथ धर्म शब्द भी जुड़ा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।